नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतेश। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। यहां एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे, नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। भर्ती मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, तो यहां आप सबको पता है राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है, जो कि निःशुल्क इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट से संबंधित है। इसमें सरकार अब भर्तियां करने जा रही है, तो इसमें एक चीज सबसे अच्छी है कि इसका जो सैलरी पैकेज है वो काफी अच्छा है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और इस भर्ती का प्रोसेस क्या रहने वाला है और ये भर्ती किस नेचर की है या किस प्रकार की है, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, अपने विचार भी रख सकते हैं और कोई जानकारी अगर आपको शेयर करनी है कमेंट बॉक्स में, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन से उन सभी से, तो वहां भी आप कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, ये वो एजेंसी है जिसके थ्रू भर्ती निकली हुई है और इस संबंध में 2/6/2021 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, सभी जिला कलेक्टरों, सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को लिखा गया हुआ है राजस्थान में, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट यानी कि DIU, इसका गठन किया जाएगा, के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये वो पोस्ट है जिस पर भर्ती की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर आवश्यक, यानी कि भर्ती तो आपकी होनी जरूरी है लेकिन अस्थायी आधार पर है और इसमें भी आधार कौन सा है, अर्जेंट टेम्परेरी बेस UTB। इस तरीके की भर्तियां सरकार लगातार निकाल रही है और ये कैंसिल भी हो रही है, स्थगित भी हो रही है और पोस्टपोन्ड भी हो रही है। इन भर्तियों का कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन एक और भर्ती निकाल दी है, क्योंकि मेरा काम आपको सभी चीजें बताना है, अच्छाई और बुराई, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आ गया। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट DIU का गठन किया जाना है। वर्तमान में परिस्थितियों में योजना के व्यापक विस्तार को देखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पद पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्ति हेतु निम्न अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो UTB, व्हाट इज UTB या अर्जेंट टेम्परेरी बेस क्या है, यानी कि सरकार को भर्ती अर्जेंट करनी है और टेम्परेरी बेस पर करनी है, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा निश्चित समय सीमा के बाद। अगला पहला बिंदु है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जिले में, यानी कि राजस्थान में 33 जिले हैं, सभी में एक जिला कार्यक्रम समन्वयक, यानी कि 33 पोस्ट हो गई, इसकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा होगी और प्रोसेस क्या है, वॉक इन इंटरव्यू। तो सीधी सी बात है, आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, सीधा वॉक इन इंटरव्यू से यहाँ नियुक्ति होगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम जो पोजीशन है वो है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MMS CBY, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, या तो आप MBBS हो या BHMS हो या फिर BAMS हो। अब इनके अलावा आपने MBA किया हो हेल्थ केयर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया हो आपने 2 साल का प्रोग्राम, या फिर 3 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम में किसी में भी, ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसमें, हेल्थ इंश्योरेंस इन एनी PSU, तो यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG किया हुआ है, 10 साल एक्सपीरियंस है तो आपके लिए पोस्ट है। अब यहाँ काम आपका क्या है, तो जो भी इसका काम आता है यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जो भी स्टेट से लेटर जारी किए जाएंगे, जो भी इसके प्रचार प्रसार का बजट होगा, जो भी इसका कामकाज होगा, जो भी इसकी मॉनिटरिंग होगी, जिसमें भी इंप्लीमेंटेशन करना होगा, वो सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है ना। तो एक जान 100 काम वाली स्थिति यहाँ आपके लिए है। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें, अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं तो, और आप MBBS हैं या MHAS हैं, जो भी आपने यहाँ डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सैलरी यहाँ बताई हुई है, देखिए आप सैलरी 45,000 रुपए प्रति माह आपको दी जाएगी। इसके अलावा TA DA भी मिलेगा, वो किसके अनुसार, NHM के जो संविदा कर्मियों को दिया जाता है उसके अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा TA DA के अतिरिक्त सैलरी के अतिरिक्त आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अब नीचे वो सब चीजें हैं, शर्तें हैं जो आपको पढ़नी है। तो नियुक्ति देखिए आप UTB के आधार पर केवल 6 महीने के लिए नियुक्ति की जाएगी, या तो ये 6 महीने के लिए होगी
या फिर राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा नियुक्ति किए जाने तक, यानी कि या तो आप 6 महीने नियुक्त रहेंगे या फिर इसको जो नियुक्ति होती है तब तक आप रहेंगे पद पर। तो इस तरीके से इस भर्ती में आपकी जो कार्यकाल है वो बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जब तक योजना रहेगी तब तक तो मेरे ख्याल से आपको रखा जाएगा। अब एज लिमिट देख लेते हैं, तो कम से कम 22 साल और अधिक से अधिक 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और ये 1 जनवरी 2021 से इसकी गणना की जानी है। तो इसका लिए आपको क्या लगाना होगा, अपनी जन्म की तारीख संबंधित या तो आपका सेकेंडरी का या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो वो आपको लगाना होगा। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं चलेगा, तो स्कूल का हाई स्कूल और सेकेंडरी के दस्तावेज ही आपके चलेंगे। इसके अलावा आपको 100 रुपए का शपथ पत्र देना होगा, तो वो भी जरूरी है। और राज्य सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा, कोई सेवा, कोई नियम जो है वो आप पर लागू नहीं होगा। सरकार चाहे तो कुछ भी आपके साथ कर सकती है, बदल सकती है कोई भी व्यवहार अपना, आप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, ठीक है। अब इसमें आपको कोर्ट जाने का अधिकार भी नहीं है, ये भी साफ साफ लिख दिया है। अब यहाँ आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कराना होगा 15 दिन के अंतर्गत, ठीक है। और समय समय पर नियुक्ति के लिए बाद जो आपको नियम निर्देश जारी किए जाएंगे मुख्यालय से वो आपको पूरे करने होंगे। सिद्धार्थ महाजन शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, इनके आदेश से ये लेटर जारी हुआ है, सभी जिला कलेक्टरों सभी स्वास्थ्य समितियों को लिखा गया है। तो सिलेक्शन भी इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया जाएगा। ये लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ये जो नोटिफिकेशन है PDF है ये हिंदी में, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं और इसके अनुसार आप अप्लाई भी कर सकते हैं प्रत्येक जिले में। तो इसमें अप्लाई का भी मानदंड दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है हर जिले के हिसाब से अलग से विज्ञापन इसका जारी होगा। आप अखबारों पर नजर रखें, हर जिला स्तर पर इसका विज्ञापन जारी होगा। जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया जाए अपने सारे डॉक्यूमेंट पोथी पानों सहित आपको पहुंच जाना है कमेटी के समक्ष, समिति के समक्ष, वहां आपका चयन किया जाएगा। भर्ती के नाम पर सरकार का एक और मजाक आपके लिए तैयार है, आप चाहे तो खुद भी सरकार से मजाक कर सकते हैं। इस भर्ती में फॉर्म भरिए और सैलरी लीजिए, अपना काम कीजिए, बाकी आपको सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार आपको अपना कर्मचारी नहीं मानेगी, लेकिन सरकार वो सब काम आपसे करवाएगी जो एक कर्मचारी से सरकार करवाना चाहती है, क्योंकि सरकार वहां किसी से काम नहीं करवा सकती, लेकिन संविदा वाले या UTB वाले वो एक ऐसी बेगार मानती है कि वहां सरकार सारा काम आपसे करवा लेगी। तो इस भर्ती का ये मजमून था, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इसकी अच्छाई बुराई सारी बताना मेरा फर्ज है और ये मैंने आपके समक्ष रख दी है। अब आप अपने विचार इस बारे में कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, कोई जानकारी है वो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें जॉब की जरूरत है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।